चलिए बच्चों, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर एक। बहुत ही आसान है, लिखा है सर ABCD इज द पैरेललोग्राम। ओके सर, ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स। यदि हटते तो ई आपका मिड पॉइंट, दैट मींस गिवन में लिखेंगे बेटा AE इक्वल होगा AB के। ओके, देन समीक्षा, एफ मिड पॉइंट है दीपाली, DF इक्वल किसके हो जाएगा बेटा FC के। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, बच्चों ये रही है आपके पास AF, ये रही है आपके पास EC। बताना है कि AF और EC जो डायगोनल BD है उसको ट्राइसेक्ट करता है। दैट मींस आपको प्रूव करना है DP, PQ और QB तीनों आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। बहुत आसान सवाल है सर। हम देखेंगे पहले ट्राइंगल DCQ में, DCQ। ओके, मिड पॉइंट बच्चों क्या है आपके पास ई, एक मिड पॉइंट, सॉरी एफ आपके पास क्या है, एक मिड पॉइंट। तो जब आप मिड पॉइंट से क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो जो आपके पास PF होगी वो CQ के क्या होगी बच्चों, पैरेलल। हमें पैरेलल से मतलब नहीं है, हमें मतलब भी है यदि एफ मिड पॉइंट है तो PB क्या हो जाएगा बच्चों, DQ का एक मिड पॉइंट हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे वही थ्योरम, लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। दैट मींस जो आपके पास P क्या होगा, P मिड पॉइंट होगा बेटा किसका, DQ का। दैट मींस DP इक्वल होगा बेटा PQ के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किसने बेटा, ट्राइंगल आपके पास क्या है, ट्राइंगल ABP। ई क्या है बच्चों आपके पास, मिड पॉइंट। लाइन से बनाओगे क्यू क्या करेगा, पूरे PB को करेगा बाइसेक्ट। लिखेंगे बच्चों वही स्टेटमेंट लिख देना, अपना मतलब ये है तो क्यू है, क्यू PB का क्या है बच्चों, मिड पॉइंट। राजी, यदि ये क्यू मिड पॉइंट है तो जो आपके पास QB होगा और PQ होगा दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेटा ऊपर वाले को देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। PQ इक्वल है DP के, PQ इक्वल है QB के। दैट मींस क्या इस PQ की जगह हम DP नहीं लिख सकते? इसका मतलब सर ये हुआ कि आपके पास जो तीनों होंगे DP, PQ और QB तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आएगी। बहुत